हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं CMFI नथिंग फोन 1 की, जो काफी बढ़िया निकाला है CMFI वालों ने। पहली बार यार एक नथिंग के फोन को कह सकते हैं बढ़िया है। फोन 1 मेरे को बढ़िया लगा था, उसके बाद आज फोन इनका बढ़िया लगा। प्राइसिंग के हिसाब से काफी बढ़िया है, तो आज हम इसकी प्राइस, इसके साथ में कोई कॉम्पिटिशन और ले सकते हैं इसके अलावा, या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सारी डिटेल आज मैं देने वाला हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, चालू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, CMFI भैया आ चुका है मार्केट में अपना फोन लेके, जो कि बजट फोन है, काफी तगड़ा फोन है यार, काफी मतलब बढ़िया लगा बजट के हिसाब से। देखो 14,999 इसकी प्राइस है कार्ड डिस्काउंट के साथ, जो काफी तगड़ी लगी मेरे को। इतने मतलब कम बजट में इतनी सारी चीज कैसे दे दी इन्होंने यार। ये नथिंग का एक सब ब्रांड है, जो कि एक प्रोडक्ट निकालता है, पहले एक बर्ड निकाल देते थे, फिर इन्होंने वॉच निकाली थी, अब ये मार्केट में पूरा एक कूद गया फोन के साथ। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पेक्स से चालू करते हैं। तो उसके अंदर आपको डिस्प्ले आएगी, सबसे पहले 6.6 इंची फुल एचडी प्लस एमोलेड रिजिट LTPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ब्राइटनेस है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और 700 निट्स की वैसे मिलेगी आपको, कुछ कुछ जगह पर 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ऐसा होता है कुछ ब्राइटनेस का पीक ब्राइटनेस का और ब्राइटनेस का कुछ ऐसा सिस्टम होता है, आप समझ लो। बाकी डिटेल में कैसे बताऊँ यहाँ पे। अगली चीज़ की बात करते हैं, तो इसके अंदर मिलेगा आपको प्रोसेसर जो है Dimensity का 7300 5G, जो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर, काफ़ी मतलब बढ़िया लगा। 4nm पे बेस प्रोसेसर है, बाकी जो प्रोसेसर मिलते हैं 6th Gen 1, 7030, ऐसे मतलब इनके आसपास एक प्रोसेसर होते हैं, हल्के फुल्के अपग्रेड होते हैं ऊपर नीचे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता। बट एक अच्छा प्रोसेसर दिया ना इन्होंने, तो सिर्फ क्वालिटी में काफ़ी फर्क आएगा, बैटरी लाइफ पे और कैमरे क्वालिटी में, गेमिंग में तो मज़ा अच्छा हो जाएगा आपको। मेरे को ये प्रोसेसर सही लगा इनकी तरफ से, बजट जो प्राइसिंग है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो प्रोसेसर बेस्ट है ये। अगर ये प्रोसेसर 30,000 में दे तो बेकार हो जाता, अगर इस प्राइस में दे तो बेस्ट है। अब बात करते हैं कैमरे की तरफ जाते हैं, तो कैमरा मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ, और जो 50 मेगापिक्सल का है वो सोनी का सेंसर है, तो काफ़ी मतलब सही है, सोनी के सेंसर वाला फ़ोन मिल रहा है आपको, तो ये एक अच्छी बात लगी। और सेल्फी जो है 16 मेगापिक्सल की है, पंच होल में आपको मिलेगी, और हार्ड एजिस है पंच होल के, मैंने ध्यान से देखा तो, बट मैं वो सही लगाया तो बेकार नहीं, सॉफ्ट एजिस हार्ड एजिस की आया सही लग रहा था मुझे तो। बाकी अगर अगली चीज़ की तरफ मूव करते हैं, तो वो आती है बैटरी। बैटरी लाइफ है 5000 mAh की, और 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है बैटरी, जो काफ़ी सही लगा। बट चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, जो काफी सैड लगता है, क्योंकि यार इस प्राइसिंग में जो है ज्यादातर ब्रांड तो दे रहे हैं चार्जर, क्यों नहीं दे सकता मैंने अपना नथिंग, तो ये गंदी बात लगी मेरे को, चार्जर नहीं दिया इन्होंने, या फिर ऑफर देने चाहिए तुम्हें। देखो अगर आप फोन अभी हफ्ते के अंदर अंदर मतलब फर्स्ट सेल में आप बुक कराओगे तो आपको 500 रुपये का मिलेगा, सेकंड सेल में कराओगे तो 1000 रुपये का, ऐसे कुछ ऑफर रखने चाहिए थे इन्हें को। अगर आप दो फोन ले रहे हो तो ऐसे डिस्काउंट, मतलब कुछ ऑफर डालते तो मेरे को और अच्छा लगता है यार। अगर आप फोन ले रहे हो तो उस पर डिस्काउंट दे दो यार, ये थोड़ी आप एग्जैक्ट प्राइस में लोगे, आपके मतलब यूज़र हम बन रहे हैं, आपका फ़ोन ले रहे हैं, आपकी फैमिली में ऐड हो रहे मेंबर, आपकी नथिंग फैमिली में ऐड हो रहे, तो आपको डिस्काउंट देना चाहिए। पर ये नहीं देते यार, आपको बस लेना है जो रेट में मिलेगा चार्जर उसी में लो जाके, तो आप जाके ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, जो एक बुरी बात लगी मेरे को। और नथिंग का OS मिलता है, जो काफ़ी क्लीन OS है, फ्री ब्लॉट फ्री OS है, जो काफ़ी मतलब बढ़िया लगा, उन्होंने कोई कमी नहीं करी OS में। ये नहीं कि आपको अलग से OS बना के दे दिया इन्होंने CMFI वालों ने, ऐसा नहीं किया कि ढेर सारे बग्स डाल दिए, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, बग्स फ्री OS, काफ़ी मतलब अच्छा काम किया नथिंग वालों ने, बग्स भी नहीं दिए, बग्स तो ये थोड़े बहुत, बट हाँ ब्लॉट फ्री है, UI अच्छा लगा। गूगल से कुछ ऐप्स मिलेंगे जो होते ही है ज़्यादातर, बट आपको ये नहीं कि मार्केटिंग ऐप हो गया अपना प्ले स्टोर जैसे, मतलब फालतू के ऐप बने होते ना ऐप स्टोर ऐसे करके, तो वो नहीं है, एक अच्छी बात लगी मेरे को। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करते हैं इसकी, तो 6GB वाला वेरिएंट पहला मिलता है, 15,999 रुपीज़ का प्राइस है इसका, और बाकी कार्ड डिस्काउंट के साथ सस्ता हो जाएगा। हर जगह कार्ड डिस्काउंट दिखाते हैं, बट ये नहीं बताते कि रियल प्राइस क्या, तो मैंने रियल प्राइस यही है, कार्ड डिस्काउंट के साथ 1000 रुपये का डिस्काउंट है, आप जाके ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। बाकी यार इसके डिज़ाइन मोनोपोली तो काफ़ी बढ़िया लगे मेरे को, डायल मिलता है रोटेटिंग डायल, और बाकी केस भी काफ़ी अच्छा है, वीगन लेदर और प्लास्टिक बैग केस मिलेगा आपको इसके अंदर। केस की जो कीमत है वो है 1499 रुपीज़, जो ये प्राइसिंग निकल के आती केस की काफ़ी सही है यार, वैसे 2-3 मतलब 500 का मिलता था मेरे टाइम पे, तो केस अब महंगा हो गया है, बट आपको फ़ोन के कवर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसका अपना ही केस लो नथिंग वालों का, तो काफ़ी सही है। इसका बैक का पूरा केस चेंज हो जाता है, रोज एक नए लुक के साथ जाओ फोन के लुक चेंज हो जाएगी। और स्टैंड लेना आपको फ़ोन को ऐसे रखना किसी टेबल पे, उसका स्टैंड है 799 रुपीज़ का, जो काफ़ी सही प्राइस है, जो एक ही प्राइस की मतलब ये देखो कार्ड केस भी आपको इसी प्राइस का मिलेगा, और लैंड यार्ड करके भी कुछ चीज़ है वो भी 799 की प्राइस में मिल रहा है। तीनों चीज़ें नहीं, अलग अलग प्राइसिंग है सबकी, बट हाँ ये सारे एक ही प्राइसिंग सेट है सबकी, तो ये भी हो सकता है। बाकी अगर इसके बाकी प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं, बड्स प्रो 2 और वॉच प्रो 2, बड्स प्रो 2 की जो प्राइस है 4,299 रुपीज़ है, और जो वॉच प्रो की 4,999 रुपीज़ प्राइस है, जो काफ़ी सही है। वॉच भी अच्छी निकाल दी उन्होंने, प्रोडक्ट मतलब इस बार अच्छे निकाले हैं CMFI वालों ने, पहली बार कह रहा हूँ या नथिंग वालों ने कुछ अच्छा काम किया है, पर एक अच्छी चीज़ नहीं है, चार्जर नहीं दिया, वो दिल पे लगी बात यार, चार्जर क्यों नहीं दे रहे तुम लोग।
चार्जर देना चाहिए हर ब्रांड को, चार्जर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ़ोन की। बाकी देखो यार कंपटीशन के मुकाबले में देखा जाए इसके साथ बोले रियलमी है कि वो तो आपको पता है कैसे फ़ोन निकाल रहे हैं आजकल, नशे करके 100-100 फोन निकाल देते, पर सारे सेम होते हैं। बाकी यार मेरे को तो देखो इसके आसपास तो कोई कंपटीशन लग नहीं रहा। 15,000 रुपये के हिसाब से डिज़ाइन मोनोपोली, UI, ऊपर से प्रोसेसर अच्छा दे रहे हैं, हर चीज़ में मतलब अच्छा कर रहे हैं, मतलब आपको लुक्स वाइज तो अच्छे क्लासी लुक डाल रहे हैं। नथिंग ने देखो एक यूनिक चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं आपको हर बार, एक यूनिक चीज़, बजट सीरीज़ की अलग डिज़ाइन, मिड रेंज की अलग डिज़ाइन, फ्लैगशिप की अलग डिज़ाइन, हर फोन को अलग कर रहे हैं ये लोग। ये नहीं कि सबके फोन सेम टू सेम हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर चाइनीज ब्रांड क्या करते हैं, ऐसे लंबे वाला सेटअप देते हैं, ऐसे वाला दे देते, गोल वाला देते, वो सेम चलता है, बट एक यूनिक चीज़ देखने को आपको मिल रही है। लोग जैसा मर्जी बोले डिजाइन के बारे में, पर काम अच्छा कर रहा है। R&D पे जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब लग रहा है कि काम आ रही है R&D पे इन्वेस्टमेंट जितनी इन्होंने करी है, क्योंकि एप्पल वाले भी इतने करोड़ों लगाते हैं, सेम डिज़ाइन बस इधर उधर करके दे देते हैं, और सैमसंग वाले भी ऐसे करते हैं। ज़्यादातर ब्रांड ये करता है, करोड़ों पर अपनी R&D पे लगाते हैं, बट हल्की हल्की चीज़ इधर उधर होती, पर जिन्होंने पूरी यूनिकनेस निकालते है तो मेरे को अच्छी लगती है, क्लासी चीज निकालते हैं। बाकी फोन अच्छा है, फ्लिपकार्ट से जाके ले सकते हैं, कार्ड डिस्काउंट ऑफर्स बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से जाके लीजिए आराम से। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे ना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ, मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ बढ़िया बढ़िया, सब्सक्राइब बटन दबाओ, मेरे साथ जुड़ो, कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे आओ या कमेंट कर दो, या कमेंट का रिप्लाई भी मैं टाइम टू टाइम दूंगा सबके। बाकी अच्छे लगे लाइक बटन दबाओ, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, किसी से रिलेटेड वीडियो बनवानी है नीचे जाके कमेंट कर दो बस। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।